अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो उसके लिए हम ये बना रहे हैं लेक्चर। तो उसके अंदर क्या होगा, प्रोपोर्शन के बारे में आप पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर हाइपोथेसिस जो है वो टू टेल टेस्ट भी होंगे और वन टेल टेस्ट भी होंगे। तो टू टेल टेस्ट जो होगा, प्रोपोर्शन की कोई वैल्यू दी गई होगी क्लेम के लिए, पी इज इक्वल टू पी नॉट, ये आपका नल हाइपोथेसिस होगा, और थ्री जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होंगे वो लेफ्ट टेल भी हो सकते हैं और राइट टेल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होगा वो आपका जो होगा वो 1% भी हो सकता है और आपका 5% भी हो सकता है। ओके, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो होगा वो इस सिचुएशन में जी होगा, लेकिन इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, ये पीछे से मैंने कॉपी किया है। तो यहाँ पे पी एक की जगह पे हम पी कैप इस्तेमाल करेंगे, यानी के हैट नहीं सॉरी कैप। पी टू माइनस पी अंडरस्कोर, और इसका जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो क्या होगा, वो सिंपल सा होगा, पी क्यू, ये इसका स्टैंडर्ड एरर होगा। अज्यूमिंग दैट के आपका जो वैल्यू जो आपको क्लेम की गई है पी नॉट वाली वो करेक्ट है, यहाँ पे पी नॉट भी डाल सकते हैं आप, लेकिन जो बुक्स में अवेलेबल है वहाँ पे मेरे ख्याल में पी है, छोटा पी। अच्छा जी, कंपटीशन जो है वो सैंपल के मुताबिक जो आप डाटा निकालेंगे उसके मुताबिक होगी और क्रिटिकल रीजन यही होंगे। तो ये इसका टेस्टिंग प्रोसीजर है, इसको देख लें कहीं पे और कोई चेंजिंग रहती हो उसको बनाने के लिए, आई थिंक ये इट इज ओके। तो इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो आप ये इसकी नंबरिंग में ठीक कर लेता हूँ। ओके जी, इसको बाद में ठीक कर लेंगे, यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं बुक से, यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट्स भी लिख लेते हैं। A manufacturer of cigarettes claims that 20% of the cigarette smoker prefer his special brand of cigarettes. Full stop. To test this claim, comma, a random sample of 400 cigarette smokers are selected and asked what brand they prefer. Full stop. Is the manufacturer claim correct if 98 out of 400 prefer his special brand of cigarettes? Sign of explanation. Use 0.01 level of significance to test the hypothesis. So, ये क्वेश्चन है जी। तो इसके अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम अलग कर लेते हैं। गिवन द इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन क्या गिवन है,
एन की वैल्यू गिवन है 400। ओके, और जो हमारे पास इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी गिवन है 98, और हमारे पास अल्फा की वैल्यू है जो कि क्या है 0.01 है। ओके, और क्लेम उसका है 20%, यानी कि पी की वैल्यू जो है आपको पास पी नॉट की वो क्या है 0.20। ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। इसको अब ऊपर वाला टेस्टिंग प्रोसीजर जो है ये हमने अप्लाई करना है। इसको हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। तो हमारी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0.20 हो जाएगी, और हमारा ये टू टेल टेस्ट जो है वो इस्तेमाल होगा, एक्टिवेट होगा। बाकी दो को हम डिलीट कर देते हैं। हाँ जी, अपनी अपनी हाजिरी भी दे दें। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे पास ने ऑलरेडी गिवन है 1%, तो हम 1% इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हम अपना आंसर जो है निकालते हैं, इसको कॉपी करते हैं कंपटीशन, सॉरी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ क्या मैसेजेस हैं। ओके जी, तो हमारे पास जो वैल्यू है पी कैप की वो हम निकालेंगे, जो के आपको मालूम है कि पी कैप का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स ओवर एन, एन लार्ज एन भी हो सकता है, हमने ऊपर उसको गलती से स्मॉल एन लिख दिया है, तो इक्वल टू 400 एंड ऊपर 98। इसको अगर आप अपनी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर मुझे बताएं, क्योंकि मुझे मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं है। अपने अपने कैलकुलेटर उठाएं जी और इसको सॉल्व करें। 98 डिवाइडेड बाय 400 ये आ गया जी 0.245। ओके, हो गया। और क्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, ये वैल्यू होगी 1 माइनस पी की पी हैट, यानी के हैट नहीं आ सकता, इसको अगर हम हैट यहाँ सकते हैं तो ये जी हैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.245 माइनस आंसर इज इक्वल टू 0.75। ओके जी, तो ये वैल्यू हम जो हमारे पास आई है वो अगर हम यहाँ पे अगर डाल देते हैं 0.245 माइनस 0.20। ओके, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, सॉरी अब पी की वैल्यू जो है वो हमारे पास
0.245 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 0.755 है, और n जो है वो लार्ज n 400 है। यहाँ पे भी आप लार्ज n इस्तेमाल कर लें क्योंकि n हमारे पास एक ही दिया हुआ है, तो हम लार्ज n कर लेते हैं। और ओके तो इसका आंसर अगर आप निकालें, कैलकुलेटर निकालें आप अपने, सारे बैठे होते हैं कि सर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, कुछ काम खुद भी कर लिया करें। तो 0.245 माइनस 0.2 ऊपर वैल्यू आ जाएगी 0.045 एंड नीचे क्या आएगा 0.425 0.755 डिवाइड बाय 400 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0415 डिवाइड बाय आंसर। ये वैल्यू जी आ गई आपके पास इक्वल टू 2.09। ओके अब क्रिटिकल रीजन जो है वो आपका टू टेल वाला एक्टिवेट होगा, तो आप इनको डिलीट कर दें। तो अगर अल्फा की जो वैल्यू है आपके पास 0.01 इसको डिवाइड करेंगे टू पे तो ये आ जाएगी वैल्यू, और इस पे अगर आपको याद हो 2.58 आपके पास क्रिटिकल वैल्यू होती है 2.58 होती है। अगर अब आप अपना कंक्लूजन इजिली ड्रा कर सकते हैं इस पे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कैसे करना है, टेबल वैल्यू जो है उसको कंपेयर करना है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द जेड स्टैटिस्टिक्स से। ओके अब यहाँ पे जो जेड स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है 2.09 जो कि कम लग रही है आपकी क्रिटिकल वैल्यू से, जो कि क्रिटिकल वैल्यू है 2.58। तो कंक्लूजन आप कैसे ड्रा करेंगे, कंक्लूजन आप ड्रा करेंगे we see that the calculated value of test statistics is less than table value or critical value at 1% level of significance level of significance and conclude that the manufacturer claim is correct except null hypothesis. इसको जरा थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। We see that the calculated value of test statistics is less than table value or critical value at 1% level of significance. दो दफा आ गया है। And conclude that the manufacturer's claim is correct except our null hypothesis. हाँ जी, question आपको करने की जरूरत है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो, जो कि इस वक्त बच्चे मेरे क्लास ले रहे हैं वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। हाँ जी, जैद का कोई क्वेश्चन आया था, क्या कहना चाहता है जैद, बोले अगर मेरी आवाज आ रही है तो। जैद के पास माइक नहीं है। हाँ जी, एनीबॉडी वांट टू पुट क्वेश्चन, राव अदील। ओके आई थिंक ऑल इज गुड, नो क्वेश्चन। यस यस सर,
क्या क्या कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, इस आज के टॉपिक के बारे में तो पूछ सकते हैं। कोई सर क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। अच्छा नो सर जी, आगे चलते हैं फिर। एक और एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हम इसकी स्टेटमेंट जो है पहले की तरह मैं पढ़ लेता हूँ और आप टाइप होता जाएगा और अपने माइक्रोफोन ऑफ कर दें। ए बास्केटबॉल प्लेयर हैज हिट ऑन 60% ऑफ हिज शॉट्स फ्रॉम द फ्लोर। फुल स्टॉप। इफ ऑन द नेक्स्ट 100 शॉट्स ही मेक्स 70 बास्केट्स कॉमा वुड यू से दैट हिज शूटिंग हैज इम्प्रूव्ड। यूज ए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन समझ आया आपको? एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ठीक, वो गेम करता है तो जितनी वो बॉल फेंकता है उसमें से 60% जो है वो बास्केट हो जाती है। ओके, वो कहता है अगर वो अगले 100 शॉट खेलता है और उसमें से उसकी 70 बॉल जो है वो बास्केट हो जाती है, तो आप क्या कहेंगे कि उसकी गेम जो है वो इम्प्रूव हो गई है या नहीं हुई? ओके, तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 13.33, पेज नंबर है 165। बुक मैंने आपको बताई हुई थी, जो कि ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे, तो उनको एक दफा फिर दोबारा बुक्स मैं दिखा देता हूँ। ये बुक है जी पार्ट सेकंड की। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए ऑथर पढ़ने में। ये जी बुक है। ओके, और नेक्स्ट ये जो बुक है आपकी सेकंड ईयर की है, और अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक। अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन मैनुअल है फर्स्ट पार्ट का, ये भी इजीली अवेलेबल है मार्केट्स में, और ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है मैनुअल, ये भी अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। सर, तो प्ले स्टोर से अब स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन क्या कर को सकते हैं, सॉल्यूशन मैनुअल को प्ले स्टोर से इंस्टॉल ऐसे ऐप पड़ेगी ऊपर? नहीं, ये जो बुक्स हैं ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिलेंगी, ये मैंने चेक की हैं, ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, तो हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। चलें जी। यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो उसने पी नॉट दिया हुआ है अपना क्लेम, वो कहता है 60% 0.60, इसने ये पी की वैल्यू दी हुई है कि ये उसका पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में उसका ख्याल है। एंड पी हैट जो हमने निकाला है जो उस सैंपल के जरिए, वो है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 × 70 = 0.70, ठीक। एंड क्यू जो आपका बन जाएगा वो 0.3 बन जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जो दिया हुआ है वो
वो हमें दिया हुआ है 0.05। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो हम अपना टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी आपके पास जो वैल्यू है पी नॉट की, यहाँ पे आप इसको 60% कर दें। अच्छा, और आपका जो ये जो है 60%। अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन में गौर करें तो वो कहता है वुड यू से दैट हिज शूटिंग हैज बीन इम्प्रूव्ड, यानी कि नॉट इक्वल टू नहीं पूछ रहा, कहता है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब क्या है? पी जो है बेहतर बनाना, वो बढ़ गया है, बढ़ गया है 60%, यानी कि ये वन टेल टेस्ट है। ठीक, वन टेल टेस्ट होगा और ये राइट टेल होगा, कौन सा होगा? राइट टेल, राइट टेल टेस्ट। सर 60% से 70% आप हो गए, तो उसमें इंप्रूव ही आया सर। नहीं, वो हमने स्टैटिस्टिकली चेक करना है। ठीक, और 5% है यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक, यही है, ये चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं पहले, तो इनको उड़ा देते हैं। अल्फा 5% है, आपने परसेंट लाया। अच्छा, 5% कर देते हैं जी। ओके, अब यहाँ पे आप अपनी वैल्यू डाल देते हैं। हमारी वैल्यू आई है 0.7, जो उसने दी हुई थी 0.6 दी हुई थी। ओके ओके जी, अब यहाँ पे क्या होगा, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय, आपके पास 100 का सैंपल था, इसको कर लें कैलकुलेट, तो ऊपर आ जाएगा 0.1 और नीचे क्या आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड 0.3 डिवाइडेड बाय 100, 0.7 मल्टीप्लाइड 0.3 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये जी मेरे पास आ गया 0.0458, 0.1 डिवाइड बाय आंसर 2.18 आ रहा है। तो इसको देखते हुए ये नजर आ रहा है कि ये रिजेक्ट होगा, क्यों? 5% लेवल ऑफ सीफ कैंप के ऊपर जो आपके पास वैल्यू होती है 1.96 होती है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले कहा था, ये आप वैल्यूज याद कर लें। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखें, और सॉरी, हमारे पास वन टेल है, वन टेल, तो वैल्यू क्या होगी 1.645, 645। ओके, वैल्यूज और वैल्यू आपकी, ठीक, वैल्यू वैल्यू और कम हो गई, कंक्लूजन दरा नहीं आया यहाँ पे, तो कंक्लूजन यहाँ पे हम बना लेते हैं। हाँ जी, क्या बनाएंगे? वी सी दैट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक is greater than the table value at 5% level of significance, we conclude that the shooting of the basketball player has been improved, reject null hypothesis. Okay, ये आपका कंक्लूजन बन जाएगा। ओके, हो गया। अच्छा, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल जो है, एक है जी, ये जरा मुझे लिख लेने दें, बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। 13.30 पहली एग्जांपल थी जो मैंने करवाई है, 13.31
ये दूसरी एग्जांपल है जो मैंने नहीं करवाई, आप करेंगे। फिर 13.32, ये एग्जांपल मैंने नहीं की, ये भी आपने करनी है। और 13.33 ये भी नहीं की मैंने। 13.34 ये भी एग्जांपल है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके 13.29 वही सवाल है जो अभी बास्केटबॉल वाला किया है हमने। 13.30 जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड क्वेश्चन है। 13.30 इसका ए पार्ट भी करना है, बी पार्ट भी करना है, सी पार्ट भी करना है। और 13.31 है, इसके भी तीन पार्ट हैं, वो भी आप अगर कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही आज का लेक्चर ऑफ करते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने सजेशन भी कमेंट्स में भेजें। थैंक यू। अभी YouTube पे भेज दे।